कच्ची शराब पीकर वन विभाग डिपो के सामने पति पत्नी ने मचाया उत्पात। वन विभाग के रेंजर बोले, डिपो के सामने कच्ची शराब बनाकर बेची व पिलाई जाती है। संवाददाता उमरिया पान। सोमवार सुबह 6 बजे ग्रामीणों ने देखा कि वन विभाग डिपो के सामने पति पत्नी कच्ची शराब पीकर बेसुध होकर रोड पर पड़े हैं, जिसकी सूचना सरपंच को दी गई। वहीं ग्रामीणों ने ये भी बताया कि यहाँ पर कच्ची शराब बनाई व बेची जा रही है। पुलिस को इसकी सूचना भी है, पर पुलिस आज तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही करने में रुचि नहीं दिखा रही है, जिसका नतीजा ही है कि आए दिन शराब पीकर ऐसे ही रोड पर नजारे देखे जा सकते हैं। सरपंच पुत्र सतीश बग्गा चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमारी पंचायत द्वारा कई बार यहाँ साफ सफाई करवाई गई है और पुलिस को सूचना भी दी गई है कि यहाँ कच्ची शराब बनाई व भेजी जा रही है, परंतु थाना प्रभारी की लचर व्यवस्था के कारण आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी गई तो उन्हें कह दिया कि हम नहीं आ सकते, 100 नंबर डायल करें। रेंजर हुकुम सिंह ठाकुर का कहना है कि यहाँ मोहल्ले वाले रहते हैं, उन्हीं के द्वारा कच्ची शराब बनाई व बेची जा रही है और जिसका ये नतीजा है कि आए दिन कच्ची शराब पीकर कहीं गेट में तो कहीं रोड में पड़े रहते हैं। आदमी वही हमारे बगल में महुआ की दुश्वार आती है। हमारे चौकीदार ने ये भी कह दिया है कि सर बदबू से जीना दुश्वार है, इसलिए मैं यहाँ रात में ड्यूटी नहीं करूँगा। कांग्रेस ब्लॉक सचिव भीमराल खेड़ा मनोज दम्मी चौरसिया, मेरे द्वारा कई बार एसपी व कलेक्टर को पत्र द्वारा थाना प्रभारी की इस लचर व्यवस्था के बारे में कई बार अवगत कराया जा चुका है कि आज तक थाना प्रभारी ने कोई कठोर कदम नहीं उठाए हैं। मैं अब इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर इस पर कार्यवाही करवाऊंगा। कांग्रेस नगर अध्यक्ष उमरिया पान कपिल चौरसिया, इसकी सूचना कई बार हमें मिली है और हमने थाना प्रभारी को भी इसके बारे में बताया है, पर ऐसा लगता है कि पुलिस का इन्हें खुला संरक्षण है, इसीलिए तो जंगल डिपो के सामने ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। मेरा एसपी महोदय से अनुरोध है कि ऐसी अवैध महुआ शराब बनाने वालों पर कठोर कार्यवाही हुए जेल भेज देना चाहिए, और नहीं तो आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे भी इसके आदी हो जाएंगे, जिसके जवाब दे हम उमरियापान पुलिस को समझेंगे। संवाददाता राजेंद्र कुमार चौरसिया, उमरियापान, कटनी। यहाँ के जो लोग सामने रहते हैं, ये दारू बना के बेचते हैं और पिलाते हैं और गंदगी बहुत ज्यादा मतलब फेंकते हैं। यहाँ हमारा जो चौकीदार रहता है वो उसको धुआं रहना बहुत परेशानी हो रही है। तो ये कौन सी शराब बनाते हैं सर? महुआ शराब की। अच्छा अच्छा, कच्ची शराब। आप कौन कहलाने सर? है आप? मैं रेंजर अफिसर बोल रहा हूँ। ठीक ठीक, आप ये आपको जैसे कभी आज तक शिकायत मिली है कि यहाँ पर शराब की जा रही है कच्ची और लोग बहुत ज्यादा परेशान है इसमें? हाँ, यहाँ कई बार शिकायत मिली है, जिसकी अपन ने थाना प्रभारी को भी कई बार शिकायत की है, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस्ती वाले भी बहुत शिकायत करते हैं और नाली में पूरा कच्चा महुआ सड़ा के महुआ फेंकते हैं, जिससे जीना दुश्वार हो गया। इतनी बदबू आती है यहाँ, और अवैध सुगर पाल के लोग रखे हैं जिसको वो सड़ा महुआ खिलाते हैं। और इसके पहले कुछ जानवर भी मर चुके थे, ये भी पंचायत में शिकायत हुई थी? इसकी शिकायत पंचायत में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कई बार थाना प्रभारी को शिकायत की है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी मैंने शिकायत की, लेकिन उन्होंने सिर्फ अवशासन दिया। भाई साहब, आपने भी शायद मेरे से भी कुछ चर्चा की थी। हाँ, हमने भी इसकी शिकायत एसपी कलेक्टर सबको की, थाना प्रभारी से बोले, लेकिन थाना प्रभारी इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसमें थाना प्रभारी की गलती है। तो आपने जैसे शिकायत किस विषय से लेके की थी उनसे? ये कच्ची शराब और यहाँ बिकती है और ये सामने छोटे छोटे बच्चों को पिलाई जाती है। आपने अभी फिलहाल पे देखा कि वो महिला शराब पीकर पड़ी हुई है, तो मैं थाना प्रभारी से चाहूंगा कि इनको सबको बंद किया जाए और यहाँ से जो शराब कच्ची शराब बेच रहे हैं और बना रहे हैं, इनको सबको अरेस्ट करें। और नगर अध्यक्ष के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और पुरुष तो पी रहे हैं, महिलाएं भी आजकल पीने लगी हैं, इनके द्वारा छोटे छोटे बच्चे ये सब बेघर हो रहे हैं और सब परिवार जो है
यहाँ जितना जंगल विभाग ऑफिस के बाजू में जो भी बना रहे हैं उनको यहाँ से अलग किया जाए, क्योंकि जंगल विभाग में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, इसी कारण बहुत बदबू आ रही है और बाउंड्री के बाजू में महुआ हुआ सब।